और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर आई है, रुक करेंगे खबर की ओर। आईटीओ बैराज के 5 गेट ना खुलने पर सियासत गर्मा गई है। 5 गेट ना खुलने पर सियासत, दिल्ली के सीएम ने फिर उठाए हैं हरियाणा सरकार पर सवाल। हरियाणा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के गठन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। हरियाणा सरकार ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की है, मुख्यमंत्री ने कहा। 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने के कमेटी को आदेश दिए गए हैं। हरियाणा के सीएम कोई ना कोई बहाना ढूंढ रहे हैं, केजरीवाल ने कहा है। सीएम केजरीवाल ने रिलीफ कैंप का भी इस दौरान दौरा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के 6 जिले प्रभावित हैं बाढ़ से। लो लाइंग एरियाज थे, वहाँ पे पानी आ जाने की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। उन लोगों के लिए दिल्ली सरकार ने अलग अलग जगहों पे बहुत सारे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं। 6 जिले प्रभावित है दिल्ली के अंदर, इन 6 जिलों में अलग अलग जगहों पे रिलीफ कैंप्स लगाए हुए हैं और कोशिश ये की गई है कि अगर पास में कोई स्कूल या धर्मशाला है तो वहाँ पे रिलीफ कैंप्स लगाए हैं ताकि टॉयलेट्स का, पानी का वहाँ पे अंदर इंतजाम हो सके। अभी हम लोग यहाँ एक स्कूल में खड़े हैं जहाँ पे अंदर एक रिलीफ कैंप लगाया गया है। तो यमुना बाजार जो जहाँ पे पानी घुस गया, वहाँ के कई सारे लोग यहाँ आए हुए हैं। तो पानी घुस जाने की वजह से बता रहे हैं, पानी अचानक आया था और घरों में घुस गया और काफी सामान बह गया लोगों का। तो एक तो कईयों के कागज बह गए, आधार कार्ड था, ये था, वो था, वो तो स्पेशल कैंप्स लगवा देंगे इसके बाद लोगों के। उसके लिए बच्चे की किताबें वगैरह बह गई, बच्चों की ड्रेसेस बह गई, उसका भी हम लोग इंतजाम कर देंगे कि उनको दोबारा किताबें और ड्रेसेस दे दी जाएगी। और मैं उम्मीद, वहाँ पे उस एरिया के अंदर कीचड़ बहुत ज्यादा है तो मिट्टी डलवा के उसको, कीचड़ को, ताकि वो ड्राई हो सके। और एक कोई तरीका निकाल रहे हैं कि अगर बाढ़ प्रभावित लोग जो हैं, जिनका सब कुछ बह गया, उनको कोई हम एडहॉक रिलीफ अगर किसी तरह की दे सकें ताकि जो उनका सामान का नुकसान हुआ है वो उसकी भरपाई कर सकें, इसका अभी कोई तरीका निकाल के फिर हम इसका ऐलान करेंगे। मैंने अभी भी पता किया है कि ये पैसा हम नहीं देते, ये पैसा NTPC देती है। NTPC दिया करती थी तो NTPC भी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो ये प्रश्न NTPC से पूछना चाहिए, उन्होंने दिया नहीं दिया, इसमें दिल्ली सरकार को कोई वो नहीं होगा। गलत बोल रहे हैं। देखिए, पिछले 5-6 दिन से जब से ये मुद्दा उठा है कि वो 5 गेट नहीं खुल रहे, मीडिया में आया, मीडिया में इतना ज्यादा उठा, तो अब वो कोई ना कोई बहाना कोई ढूंढ रहे हैं। लेकिन ये आपस में वो करने का वो नहीं है। मैंने अभी भी पता किया है, सौरभ भारद्वाज ने पता किया था, उन्होंने मुझे बताया कि ये NTPC उनको पैसा देती थी पहले, NTPC, तो वो NTPC ने दिया नहीं दिया, वो उनको उनसे पूछने। धीरे धीरे अब जो पानी का स्तर है वो 205.9 तक आ गया है और हम जानते हैं कि 208.67 तक पहुंच गया था। तो पानी जैसे जैसे धीरे नीचे जा रहा है, वैसे वैसे जिंदगी जो है वो नॉर्मल होती जा रही है। कई इलाकों से पानी निकल गया है, कई कुछ इलाकों में पानी बचा है वो भी निकल गया। एक आध दिन और दे।